रेगुलर हर साल की तरह जो तैयारी रहती है और सब तत्पर है, वो सब की गई है, चाहे वो सैनिटेशन है पूरे शहर में, उसको भी बहुत हद तक हमने ऑगमेंट किया है, बहुत बेहतर तरीके से किया है। पानी की सर्विसेज हो या हमारे स्ट्रीट लाइट्स की अवेलेबिलिटी हो, वो सबको इंश्योर करा रहे हैं। इसी के साथ खास तौर पे क्योंकि ईद उल अज़हा पे स्किन्स हाइट्स वगैरह निकलते हैं जो कुर्बानी का थाल वगैरह होती है, तो पिछले साल की तरह भी अब की बार भी हम लोगों ने डेडिकेटेड उसकी कलेक्शन सर्विस रखी है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। दो शिफ्ट्स में हर वार्ड में डेडिकेटेड गाड़ियाँ रखी गई हैं जो ये कलेक्ट करेंगी। लोगों से इसमें यही गुजारिश है कि किसी भी सूरत हाल में इसको कहीं सड़कों में या डस्टबिन में म्यूनसिपल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करें। हम लोगों ने नोटिफाई भी न्यूज़पेपर में भी और सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी, हर वार्ड में कौन सी गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी में ड्राइवर कौन सा है, उसका नंबर क्या है, हमारे वार्ड अफसर का नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स भी शेयर की हैं। तो मेहरबानी करके सभी से गुजारिश है कि हमारी इस सर्विस का इस्तेमाल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डेडिकेटेड ये दो दिन कंटिन्यूसली अब आपके साथ में रहेगा। और किसी भी तरीके से जो बाहर सड़कें हैं या हमारा पब्लिक प्लेस है उसको आलूदा नहीं करें, क्योंकि हम लोगों ने जो हर किसी वार्ड वाइज इसका जो लिस्ट है, कौन सी गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, वार्ड अफसर का नंबर क्या है, इसको पूरा नोटिफाई किया है। अगर आपके जगह पे वहाँ गाड़ी नहीं आती है तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले वार्ड टीम को कॉल कर लीजिए, अगर वहाँ से भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या कोई आपके पास नहीं आता तो हमें कंट्रोल रूम पर तुरंत इतला कर लीजिए। वी हैव मेड श्योर, इसको मॉनिटरिंग के लिए भी ऑफिसर्स को भी लगाया गया है, जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स को भी लगाया गया है, डिफरेंट जोन्स में मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये सही तरीके से हो और इंशाल्लाह किसी को भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लोगों का ताउन इसमें बहुत जरूरी है। सर, जो घंटाघर में अभी काम चल रहा है तो वो कब मुकम्मल होगा? दूसरी बात, जो वहाँ पर काम किया गया था अब उसको फिर से तोड़ रहे हैं, तो क्या प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वो नहीं किया गया? नो, वहाँ पे कुछ ऐसा कोई काम तोड़ नहीं गया है, बिल्कुल गलत किसी ने बताया होगा। एक तो वहाँ पे काम जो है ऑलमोस्ट इट इज डन टू अराउंड 90-95%। वहाँ अगर मेन आप लाल चौक के पोर्शन देखेंगे, दो मेन पार्ट्स हैं, एक हमारा जो मेन कैरियज है जो कॉबल्ड रोड है, दैट कॉबल्ड रोड इज कम्प्लीट। और कॉबल्ड रोड के साइड पे हमारा एक प्लाजा बनना है, उस प्लाजा को हमने टेम्प्रेरीली ट्रैफिक के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मेन जो रोड था, मेन रोड पे काम चल रहा था। नाउ मेन रोड इज फ्री फॉर रेगुलर ट्रैफिक, साइड में जो हमारा प्लाजा है उस पे काम चल रहा है। नाउ प्लाजा पे काम करने के लिए जो हमारा रेगुलर रूटीन प्लान के हिसाब से काम है उसी हिसाब से काम चल रहा है। कहीं पे भी किसी तरीके से ऐसा नहीं किया गया कि पहले कुछ और बना दिया फिर तोड़ दिया, ये दैट वुड बी एट बेस्ट ट्राइंग टू मिसलीड पीपल, नथिंग मोर देन दैट। इट्स ऑल वेरी वेल डिजाइंड प्रोजेक्ट जिनका हर किसी का एक प्रॉपर तरीका ये रहता है। बट हर जगह ये होता है, जब भी कभी मान लीजिए आप मेन रोड को डाइवर्ट करते हैं, आप साइड में जगह बना लेते हैं लोगों की मूवमेंट के लिए, ताकि लोग ट्रैफिक भी मूव करें और काम भी हो सके। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इस तरीके से जो है किसी काम को अंजाम, नहीं तो पूरा फिर रोड पूरा एरिया ब्लॉक करना पड़ता है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं हो। इसीलिए फेजेज में काम किया जाए, बट दिस इज़ ऑल बिंग डन एब्सोल्युटली विद प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर डिलीजेंस।